हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाले। टॉपिक छोटा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है हमारा, वह है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, उनके फाइटर्स और उनके टाइटल्स। मतलब ये देखो, बताया हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है देश की आज़ादी के लिए, जितने हीरोज जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, बलिदान देश के लिए दिया है, उनको कई सारे टाइटल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। यूजुअल जैसे आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, ये सब टाइटल्स आपने देखा हो। पंजाब केसरी है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप देशबंधु हैं। ये इतने सारे टाइटल्स जो दिए जाते हैं और आपके एग्जाम्स पे जो है ये आपसे पूछ ले जाते हैं। सेंटर का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, देन आपका जीडी हो, देन स्टेट के एग्जाम्स हो, यहाँ पे आपको ये सवाल जो है ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन है, उसके आपको मिल जाएगा दोस्तों। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हमारे पास है हमारे फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, एक्चुअल में ये जो सरदार है ये टाइटल है, ठीक है, ये सरदार जो है टाइटल है, वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है दोस्तों। गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है, और गांधी जी के शिष्य भी थे दोस्तों। इन्होंने एक मूवमेंट जो है उसको लीड किया था, बरदोली सत्याग्रह गुजरात में दोस्तों, बरदोली सत्याग्रह गुजरात में, और इतना ज़बरदस्त मूवमेंट को लीड किया था और प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज दिखी थी, तो टाइटल दिया था दोस्तों सरदार, ठीक है। सरदार का मतलब चीफ, जो लीड करेगा। दूसरा है आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आयरन मैन, बिकॉज इंडिया की यूनिफिकेशन दोस्तों 565 प्रिंसली स्टेट्स जो थी आजादी के टाइम पे उनको जोड़ने का काम किया था, तो आयरन मैन, ठीक है, सरदार भी है। और इंडियन बिस्मार्क दोस्तों, बिस्मार्क याद रख लेना, बिस्मार्क की बात है, उसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क दोस्तों। ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन है, जर्मनी का एक लीडर है जिसने जर्मनी को यूनिफाई किया था, ठीक है। जर्मनी में भी छोटी छोटी ऐसी कॉन्फेडरेसी थी, उनको यूनाइट करने का काम ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था दोस्तों, ठीक है, और इसीलिए इनको भी इंडियन बिस्मार्क जो है उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर है हमारे पास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सभी को पता है इनको पंडित जी का टाइटल और चाचा नेहरू का टाइटल जो है दिया जाता है, बिकॉज इनको जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, इनके जो कंटेम्प्रेरी जो बच्चे हुआ करते थे, इनको चाचा के नाम से बुलाया जाता था, अंकल बोला करते थे, ठीक है, चाचा, बिकॉज आपको पता है इनका बर्थडे जो है 14th of November चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए चाचा नेहरू। नेक्स्ट है हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी। अगेन दोस्तों नाम इनका मोहनदास है दोस्तों, मोहनदास नाम है, गांधी जो है ये आप देख सकते हैं, अच्छा गांधी तो है ही है, सॉरी गांधी तो कास्ट ही है, महात्मा का दोस्तों इनके पास टाइटल है, महात्मा का टाइटल, ठीक। चलिए तो नंबर वन आप देखेंगे बापू, फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों ये टाइटल दिया था बापू, यू आर द बापू ऑफ होल नेशन, अब फादर ऑफ नेशन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में है आपका महात्मा, महात्मा का किसने टाइटल दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे फेमस राइटर हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का मतलब महान आत्मा, ठीक है, ग्रेट सोल, ठीक है, बिकॉज संत के कैटेगरी में हम इनको कंसिडर करते हैं, तो ये टाइटल इनको दिया था। इंपॉर्टेंट देखो ये भी समझ लेना, कभी कभी आपसे ये भी पूछता है हु गेव टाइटल, और एग्जैक्ट डायरेक्ट सवाल यहां से पूछे जाते एसएससी के सवाल आपके एग्जाम में, ठीक है। चल उसके बाद आ गया आपका गोविंद धंधु पंत दोस्तों जो है, अगर आप देखेंगे इनको फेमसली जाने जाते हैं नाना साहेब, अगर आपको याद होगा दोस्तों रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है, कानपुर से ये रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, याद रखना, इनके ही सिपे सलार, इनके कमांडर इन चीफ तांतिया तोपे, याद होगा आपको, ठीक है जी। और ये पेशवा बाजीराव सेकंड जो लास्ट आपके जो पेशवा थे उनके क्या थे, एडॉप्टेड सन भी थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास द लेजेंडरी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब इनको टाइटल मिलता है दोस्तों नेताजी का टाइटल कौन देता है इनको, आज़ाद हिंद फौज जो है वो इनको टाइटल दो, आपको पता है दोस्तों आज़ाद हिंद फौज दोस्तों उसको ये लीड करते हैं, ठीक है, उन्होंने ही इनको टाइटल दिया नेताजी मतलब जो लीडर होता है, ठीक है वो, और देशनायक मतलब देश का हीरो, ठीक है, कौन है, बोस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई उर्फ मणिकर्णिका,
जिसे मनी करने का बोलते हैं। टाइटल दोस्तों है मर्दानी, ठीक है, मर्दानी मींस जो मर्दों की तरह कैपेबिलिटीज रखती हो, बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 में मर्दों की तरह लड़ी है दोस्तों बहुत खूब जबरदस्त तरीके से। और मनु और झांसी की रानी आपको पता ही है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से जानते हैं, गांधी ऑफ बिहार। और देश रत्न, देश रत्न, रत्न मीन्स एक जूल, एक जेम, देश का जेम है। अगले सर मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जो है दोस्तों इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ बेगर्स एंड महामन, महामन मतलब ग्रेट हार्ट, महामन, ठीक है, महामन, ग्रेट हार्ट एंड प्रिंस ऑफ बेगर, बेगर्स मतलब कि बेगर्स के बीच में प्रिंस, बिकॉज इन्होंने दोस्तों लोगों की सोशल कॉज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसको इकट्ठा किया था और उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया था सोशल कॉज के लिए, तकरीबन कोई करोड़ों में, 1 करोड़ लगा लें आप, ठीक है, और इसलिए इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ बेगर्स। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास, हमारे पास शहीद भगत सिंह साहब जो हैं, इनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। चलो भाई, इनको बोला जाता है शहीद और ग्रेट भगत सिंह, प्रिंस ऑफ मार्टर्स, यानी कि शहीदों के प्रिंस, शहीद, ठीक है, शहीद आजम, आजम मतलब टॉप का जो बंदा जो है, चीफ लीडर, ग्रेटेस्ट, ठीक है, आजम मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तो शहीदों में इनकी कुर्बानी जो है सबसे ग्रेटेस्ट जो है मानी जाती है। नेक्स्ट बिपिन चंद्र पाल, इनको बोला जाता है दोस्तों बंगाल टाइगर, बिपिन चंद्र पाल जो है इनको बोला जाता है बंगाल टाइगर। देखो बंगाल टाइगर कई सारे लोगों को जो है टाइटल जो है ये मिलते हैं, याद रख लेना, इनके अलावा और भी हैं आपके पास, बंगला टाइगर और भी हैं, बंगाल टाइगर और भी हैं, बिपिन चंद्र पाल भी हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय, जिसको राजा राम मोहन राय आप सभी को पता है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडिया रेनेसां, फादर ऑफ इंडिया रेनेसां का मतलब है, रेनेसां का मतलब होता है रिवाइवल, जो हमारी पुरानी सोच जो है उसमें जब रिवाइवल आता है, जब उसके सोच में रीबर्थ होता है, उसको हम बोलते हैं रेनेसां। इंडिया में रहना लाने वाले दोस्तों राजा राम मोहन राय हैं, और इन्हीं ने ही सती सिस्टम को दोस्तों बैन करवाया, और इन्हीं का टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन जो है 1833 में आपको पता है लागू की जाती है, तो इनका बहुत तगड़े कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट सर राजगोपालचार्य जी, ठीक है जी, सी राजगोपालचार्य, इनको राजा जी भी बोलते हैं, ठीक है जी, इनको राजा जी के टाइटल से बोला जाता है। नेक्स्ट है सर शेख अब्दुल्ला, अच्छा है, ठीक है, जिनको शेर ए कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इन्होंने आप कह सकते हैं कि कश्मीर में मनार्की ख़त्म करने में इनका बहुत तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था दोस्तों। कश्मीर में लास्ट रूलर जो थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, तो महाराजा हरि सिंह की गवर्नमेंट ख़त्म करके और वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का जो काम है उनमें इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, शेर ए कश्मीर बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी दोस्तों, ठीक है, इनको परियार के नाम से भी जानते हैं, तांताई के नाम से भी जानते हैं, वाइकॉम वीरान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है जी। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट दलित्स की अपलिफ्टमेंट, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था साउथ इंडिया में दोस्तों, ठीक है जी, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है दोस्तों इनका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे मैंने पढ़ाया हुआ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है जी, चलो भाई, पारसी राजा, ठीक है, केरला सिंहम, सिंघम, सिंघम होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड लॉयन ऑफ केरला, सिंघम आपको पता ही है, सिंह को बोलते हैं, शेर को बोलते हैं, ठीक है, इनका नाम आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, फिर भी आप देख लें। टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर का दोस्तों इनको टाइगर बोला जाता है, मैसूर स्टेट को रूल किया करते थे, इनके पापा हैदर अली थे, आपको पता होगा दोस्तों। ज्योतिबा राव फूले, दोस्तों ज्योतिबा राव फूले ने भी दलित्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत तगड़ा काम किया दोस्तों, इन्होंने किताब भी लिखी थी गुलामगिरी, अगर आपको याद होगा, ठीक है, और दोस्तों इनको भी महात्मा के टाइटल से जाना जाता है दोस्तों, याद रखना, गांधी जी को भी महात्मा बोलते हैं, ज्योतिबा राव फूले को भी महात्मा बोलते हैं, महाराष्ट्र से थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दोस्तों अगर आपको याद है, ठीक है, बंदोपाध्याय जो है, एक्चुअल नाम बंदोपाध्याय था, बट इनका टाइटल जो है वो हम क्या लगाते हैं, टाइटल यूज करते हैं विद्यासागर, टाइटल यूज करते हैं विद्यासागर, बिकॉज इन्होंने कह सकते हैं प्रिंसिपल हैं स्कूल के दोस्तों, और एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, खासकर वुमेन एजुकेशन की फील्ड में बहुत काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों, विद्यासागर जो है इनका टाइटल है। नेक्स्ट चलेंगे सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में आपको बता दूं,
पेशे से दोस्तों ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और जब बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेज में तो वहाँ पे ही अपने टीचिंग के दौरान बच्चों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो भरा करते थे। दोस्तों याद रखना, इनको राष्ट्रगुरु एंड इंडियन बुक के नाम से भी जानते हैं, इंडियन बुक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों आप देखेंगे एक यूके के रहने वाले एडमंड बुक जो है, ये भी आप देखेंगे एक टीचर हैं, इनकी आइडिया से, इनके थॉट से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे, उन्हीं को इन्होंने यूज़ किया, इसलिए इंडियन बुक के नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, भिकाईजी रुस्तम कामा, ठीक है, इनको बोला जाता है मैडम कामा और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अभी आपको मैं पूछूंगा, आप मेरे को चलो कमेंट में बताओ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बता दो किसको बोलते हैं, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है, इंडिया में अनरेस्ट, शांति भंग करने का फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो ये एक पारसी लेडी है, ठीक है, और इन्होंने इंडिया के आप कह सकते हैं कि सोशल फील्ड में बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर काम किया, और कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल में भी इन्होंने काम किया है दोस्तों। फिरोज शाह मेहता, इनका नाम आपने दोस्तों सुना होगा, फादर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है। रविशंकर व्यास दोस्तों इनको फादर ऑफ गुजरात भी बोला जाता है, रविशंकर महाराज भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि गुजरात की फॉर्मेशन में दोस्तों इनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है इन्होंने प्ले किया था। चलते हैं आगे, जयप्रकाश नारायण, इनको बोला जाता है लोक नायक। अच्छा, देन इसके बाद में आपका चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये क्रिश्चियन धर्म के एक जो प्रीस्ट होते हैं जिन्हें फादर बोलते हैं वो है। इन्होंने भी दोस्तों ये गांधी जी के अच्छे दोस्त रहे हैं याद रखना, और इनको देशबंधु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियंस की बहुत ज़्यादा मदद की, ठीक है। चले हैं आगे दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और इनका टाइटल क्या होता है, मौलाना। मौलाना मतलब एक स्कॉलर बंदा, इस्लामिक रिलीजन में जो स्कॉलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, उसको बोला जाता है मौलाना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे पहले। चलते हैं आगे, चलो उसके बाद है जितेंद्र मोहन सेनगुप्त, दोस्तों देशप्रिया के नाम से जानते हैं। विनायक नरहरि भावे, इनको बोला जाता है दोस्तों विनोबा भावे, इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाने वाले, अगर आपको याद होगा इंडिविजुअल सत्याग्रह दोस्तों, ठीक है, चलो वो चलाने वाले फर्स्ट बंदे ये थे दोस्तों। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था, दिल्ली चलो मूवमेंट जिसको बोलते हैं। चलो, इनको आचार्य बोला जाता है, आचार्य का मतलब ग्रेट टीचर होता है दोस्तों संस्कृत में। नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एंड स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी जी भी बोला जाता है, याद रख लेना, विनोबा भावे, विनायक नरहरि भावे। नेक्स्ट है दोस्तों मुरलीधर देवदास आमटे, बाबा आमटे बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी को पता है, गुरुदेव के नाम से जानते हैं, कवि गुरु मतलब पोइट गुरु दोस्तों, ठीक है। एंड विश्व कवि जो है ना, इसको आप विश्व कवि समझ ले, यानी कि विश्व कवि, ठीक है, बहुत बड़े कवि मतलब, ठीक है। एंड द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लेजेंडरी महाराष्ट्र से दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक अगर आपको याद होगा दोस्तों, इन्हीं को लोकमान्य तिलक भी बोलते हैं। होम रूल लीग चलाने वाले बंदे यही हैं दोस्तों, 1916 में होम रूल लीग जो है इन्होंने चलाया दोस्तों, ठीक है। इनको लोकमान्य बोलते हैं, लोग जिसको मानते हैं, जिसको रेवर करते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं, एंड इनको मराठा केसरी भी बोलते हैं, एंड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलो वही क्वेश्चन अभी आ गया इधर। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय, दोस्तों लाला लाजपत राय जो है ये पंजाब से हैं दोस्तों, ठीक है, और इनको पंजाब केसरी बोला जाता है। साइमन कमीशन के टाइम पे दोस्तों लाठी चार्ज में इनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी और इनकी डेथ भी हो गई थी, जिसका बदला भगत सिंह लेता है जॉन सॉन्डर्स को मार के, जिसे हम लाहौर कॉन्स्पेरेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पेरेसी के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। अगला, दादा भाई नौरोजी आपको पता है एक इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों लीडर हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इन्होंने ही दोस्तों ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो है उसकी थ्योरी दी थी, किस तरीके से अंग्रेज हमारा पैसा ड्रेन कर रहे हैं,
इन्होंने उसके बारे में बात की थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास चित्तरंजन दास, दोस्तों इनको देश बंधु के नाम से जानते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड्रयू फ्रीज जो थे वो प्रीस्ट, उनको भी देश बंधु बोल रहे थे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्तरंजन दास याद रख लेना। नेक्स्ट है दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह, लॉइन ऑफ पंजाब, शेर ए पंजाब भी इनको बोलते हैं दोस्तों, याद रख लेना। अच्छा, खान अब्दुल गफार खान, गफार खान दोस्तों याद रखना, इनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जानते हैं दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एज गांधी की तरह काम कर रहे थे, वहां पे ये मूवमेंट्स को लीड करते थे, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं दोस्तों। बादशाह खान या फिर बाचा खान, बच्चा खान ही समझ लेना, बाचा, बाचा क्या होता है दोस्तों, चीफ का, जो चीफ्स का भी हेड होता है उसको बोलते हैं बाचा, इनकी हेड बंदा कोई समझ ले, तो बाचा खान भी बोलते हैं, बादशाह खान भी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं दोस्तों, याद रख लेना। आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी याद रख लेना दोस्तों, आशुतोष मुखर्जी दोस्तों एक जूरिस्ट हैं दोस्तों, ठीक है चलो। और इनको टाइगर ऑफ बंगाल एंड बंगलार बाग, बंगलार मीन्स बंगाल का बाग, बाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइगर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों के केलपन, के केलपन दोस्तों इनको केरला गांधी, वाइकोम वेरान के नाम से भी जानते हैं, वेरान, ठीक है। सरोजनी नायडू दोस्तों, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं दोस्तों। और आखिरी में दोस्तों आप देखेंगे तो ये है हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद दोस्तों इनका टाइटल है, बिकॉज ये बोलते हैं हम आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहेंगे, हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता दोस्तों। आपको पता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के इंपॉर्टेंट दोस्तों ये मेंबर रहे थे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर खत्म होता है, पीडीएफ स्टडी नॉर्म्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा दोस्तों। मैं आपको नीचे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो भी वीडियो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।